हे एवरीवन, इट्स मी जुबैर रजा खान। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपने चैनल पे अपडेट हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने यही सोचा कि मैं आज अब से कंटिन्यूटी में अपनी चैनल को रन करूँगा, वीडियोज़ अपलोड करूँगा और आपके लिए मज़ीद नए नए कॉन्टेंट्स लाता रहूँगा। आज हम जो सीख रहे हैं वो अमेज़ॉन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गई, लिस्टिंग डिज़ाइनिंग हो गई, इमेज डिज़ाइनिंग हो गई या पोस्टर डिज़ाइनिंग हो गई, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको। चीज़ एक ही है, अमेज़ॉन हो गया, शॉपिफाई हो गया, दराज हो गया, ईबे हो गया, इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हम जो अपलोडिंग करते हैं। लाइक आप प्रोडक्ट्स देखते होंगे वहाँ पे, जो आपको मैं आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखाऊँ यहाँ पे। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ amazon.com, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कितनी खूबसूरत और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो हुए हैं। ये सब एक फोटोशॉप या एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही कर सकता है, जो बेसिकली एडोबी चलाना जानता हो, राइट। तो ये है कि इसके लिए जो आजकल हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि उनको वेरिएशन समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से वेरिएशन डिज़ाइन करें, जो बिगनर्स हैं। और वो कहते हैं कि यार हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमें स्किल्स तो आती हैं लेकिन हमारी हम लोग अर्निंग जिसे कहते हैं करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो मैं आज बताऊंगा आपको किस तरीके से, और ये चीज़ जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं पार्ट वाइज सीरीज वाइज चलाता रहूँगा, राइट। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मजीद अपडेट मिलती रहे। सो विदाउट एनी टॉक लेट्स गेट स्टार्टेड। Even when I got kicked to the curb, life knocked my dick in the dirt. I got back up, flipped at the bird till I earned the attention. I yearned not to mention I learned how to turn resentment into hurt. So, भाई लोग, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो मेरा एडोबी खुला हुआ है इसके अंदर जो हमारा इंटरफेस आपको नजर आ रहा है बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करूंगा जो कि हमारी, मुझे दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नज़ला हो रहा है जिसकी वजह से मुझे बार बार ये प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ को काइंडली इग्नोर करिएगा। खैर, एनीवेज, ये मैं एक न्यू इंटरफेस ओपन कर रहा हूँ जिसमें 2000 pixels by 2000 pixels की एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करूँगा जिसके जो कि हमारे आप जितनी भी मैं आपको दिखाऊँ अमेज़ॉन के अंदर जो पिक्चर्स जो हमारी अपलोड हुई हुई होती हैं, जो प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स होती हैं, जो अब मैं मिसाल के तौर पर किसी पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अब जैसे कीबोर्ड की ये वेरिएशन है, राइट, तो ये इसकी जो भी पिक्चर ये अपलोड हुई हुई, ये 2000 pixels by 2000 pixels पे अपलोड हुई हुई होती है, राइट। तो ये आप सबके हम सबके दिमाग में ये होना चाहिए ये बात कि मिनिमम 2000 pixels by 2000 pixels पे हम डिज़ाइन करें अपना कोई भी पोस्ट है या पोस्टर है। तो मैं यहाँ पर एक इसको नाम दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कोई हर्ब सीजर। यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी फाइल को मैंने नाम दे दिया और इसका साइज रख दिया 2000 pixels by 2000 pixels, राइट। इसको क्रिएट कर दिया मैंने, तो मेरे पास एक नया इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता दूँ, बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर जो मैं शुरू से करता आया हूँ, अब तो खैर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यू गाइड लेआउट, मैं यहाँ पर अगर इसको क्लिक करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। वैसे जब मैं इसको खोलूँगा, जब आप नया नया इसको ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा, राइट। कॉलम्स पे और रॉस पे ये क्लिक हुआ होगा आई गेस, लेकिन मैं यहाँ पर उससे हटा के मार्जिन पे क्लिक करता हूँ और इसका साइज रखता हूँ 100 pixels 100 pixels, बॉटम का भी 100 और राइट का भी 100। इसको ओके कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे चारों साइड पे इक्वली हमारी मार्जिन आ गई है, स्केल हमारा आ गया है। तो ये इसलिए रखते हैं, बेसिकली जो पोस्टर डिजाइनर्स होते हैं वो उनके लोगो यहाँ पे साइड में कहीं उनको लोगो पर लगाने में कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, मतलब एक अलाइनमेंट से हमारा पोस्टर डिजाइन हो एक खूबसूरती से, राइट। तो अगर मैं इसको ना भी लगाऊं तो खैर मुझे तो नीड नहीं पड़ती, जब आप एक अच्छे डिजाइनर हो या फिर आपकी एक्सपर्टीज हो एडोबी के अंदर तो आप इसको ना भी लगाएं तो चलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। तो अब मैं आपको ये दिखाऊं कि जैसे हमें कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे गूगल करता हूँ कोई भी, मैं आपको स्टॉक इमेजेस आप कहीं से भी उठा सकते हैं फॉर प्रैक्टिसिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हर्ब सीजर्स, राइट। हमें हर्ब सीजर पे एक अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो आप ये देख सकते हैं ये सबसे पहली इमेज, ये मुझे काफ़ी
अच्छी, काफी अच्छी क्वालिटी की लग रही है, तो इसी को हम उठा लेते हैं यहाँ से। खैर इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से सिंपल, और एक कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट फाइल जो इसका साइज होगा वो साइज पे खुल जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। राइट, ये थोड़ी सी पिक्सेलेट है, थोड़ी सी क्या, काफी पिक्सेलेट है, लेकिन हमें सिर्फ एक आपको वेरिएशन बनाना, मुझे एक वेरिएशन बनाना सिखाना है कि किस तरीके से हम वेरिएशन डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो जी मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप को, क्रॉपिंग को थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा या क्रॉपिंग को थोड़ा सा काट दूंगा। राइट, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट क्रॉप करने के लिए हमें चाहिए होगा पेन टूल। पेन टूल हम यहाँ पे आप राइट राइट क्लिक करेंगे तो पेन टूल आ जाएगा हमारा सबसे टॉप वाला, या आप सिंपल इसको पी पी प्रेस करेंगे तो पी से भी पेन टूल हमारे पास आ जाएगा। राइट, अगर हमारे पास रॉ फाइल होती तो हम इसका कलर ग्रेड्स वगैरह भी करते हैं आफ्टर। और पहले मैं इसकी क्रॉपिंग कर लूँ, फिर मैं आपको मजीद चीजें बताता हूँ। नाउ ये हमारा प्रोडक्ट क्रॉप तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब सिंपल मैं इसको राइट क्लिक करके मेक सेलेक्शन में जाता हूँ, तो ये 0 पिक्सल्स पे है और इसको एंटी अलाइज्ड जो भी है, आप सिंपल इसको ओके करते हैं तो ये सिलेक्शन हमारे अपनी बना लेता है। राइट, इसको मैं सिंपल कंट्रोल जे करता हूँ तो ये हमारा देख सकते हैं, अगर मैं इसको क्लोज करूँ टैब को, तो हमारे पास सिंपल ये हमारे पास एक हमारा प्रोडक्ट क्रॉप हो चुका है। अच्छा, जो इसके अंदर जो ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी हमें क्रॉप करना पड़ेगा, तो ये भी मैं क्रॉप कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट क्रॉप हो चुका है। अब देख सकते हैं बिल्कुल पीएनजी फाइल बन चुकी है। अब सिंपल मैं इसको, जो मैंने 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स वाली डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करी थी, क्रिएट करी थी, वो मैं वहां पे ले जाके इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। राइट, अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट इसलिए इतना छोटा लग रहा है क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो बहुत कम थी, और ये 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स पे जो था वो इमेज थी इसकी। राइट, इसको मैं अभी फिलहाल इसकी आई बंद कर देता हूँ। सबसे पहले हमें अपना जो थीम डिजाइन करनी है वो है मेन पार्ट, तो मेरे ऑब्वियसली हर्ब सीजर है, हर्ब सीजर से तो कुछ ग्रीन टाइप का कुछ फील आएगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लेता हूँ रेक्टेंगल टूल। ठीक है, आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉ कर दें। राइट, इसको मैं स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ, यहाँ से फिल को जाके मैं ग्रीन यहाँ से फिल कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, अब ये ग्रीन तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, सेम एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है सेम उसी तरह का। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, मुझे मैं इसको बिल्कुल अलाइन करके इंटरफेस के साथ अलाइन कर दूंगा पूरा, जिसकी वजह से ये पूरा अच्छा, ये कलर है आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो मुझे इसको थोड़ा सा कुछ ग्रेडियंट वाला फील देना होगा। इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, सबसे पहले वो जो हम प्रोडक्ट लेकर आए थे जिसको हमने हाइड किया है उसको हम ओपन करते हैं। इसको हम करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, अच्छा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का साइज छोटा है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता बगैर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किए तो बहुत ज़्यादा पिक्सलेट हो जाता, तो इसको मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कर दिया इसको, अब हम कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, तो आप ये देखें कुछ इस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है। राइट, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, अब आप ये देखें ये कुछ इस तरीके का आ गया। अच्छा मैं इसका यहाँ पे नाम हाइड कर देता हूँ, पता नहीं किसका भी, यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ, नाम हाइड इसलिए नहीं हो रहा, एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये स्मार्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हुआ हुआ। अच्छा जी, अजानों की आवाज आ रही है, मैं अजानों के बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह। ओके जी, फाइनली अजानें हो चुकी हैं,
सो हम लोग यहाँ पे थे कि मैं इसका नाम हाइड कर देता हूँ, पता नहीं कौन से किसका है, किसका प्रोडक्ट, आई डोंट नो। हमने सिर्फ स्टॉक इमेज के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो ये एरर दे रहा है, अच्छा मैं इसका जो नाम मिटा रहा हूँ वो मिटा रहा हूँ स्पॉट हीलिंग टूल से, राइट। तो आप सिंपल इसको जे प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हुआ हुआ है। इसको हम रेस्टराइज करते हैं लेयर को, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर करते हैं, तो हमारे पास सिंपल ये नाम हट जाएगा। ओके, मैं लेयर को लॉक कर देता हूँ यहाँ से ताकि ये साइड उसे ख़राब ना हो। ठीक हो गया जी, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब सिंपल मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा वो इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसको लेता हूँ रेक्टेंगल टू लेता हूँ दोबारा से, ताकि मैं इसकी हेडिंग दे सकूँ। इसको सिंपल मैं यहाँ से स्ट्रोक इसका ऑफ करता हूँ, फिल को मैं करता हूँ वाइट क्योंकि मुझे ये यहाँ पे ग्रेडियंट देना है और इसी ग्रेडियंट को चलाना है। इस लेयर पे मैंने डबल क्लिक करा रेक्टेंगल टूल पे, सिंपल मैं यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले के अंदर गया और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया हुआ है, सेम उसी लाइट कलर को डार्क किया हुआ है। ठीक हो गया जी, इसी लाइट कलर को मैं डार्क की तरफ थोड़ा सा लेकर गया हूँ और सिंपल मैंने इसको स्केल को मैं करा हुआ है 1, ये बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको मैं कुछ इस एंगल में चला देता हूँ ताकि कुछ ग्रेडियंट वाला फील आए। इसको मैं कर देता हूँ 120। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कितना अच्छा सा ग्रेडियंट वाला फील आ रहा है। अब इसको मुझे 3D लुक देना है थोड़ा सा, तो दोबारा मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सिंपल ड्रॉप शेडो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देखें इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, साइज थोड़ा सा कम करता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा भी दूँ तो चलेगा ना। ओके, तो ये सेम चीज़ मैंने इसी रेक्टेंगल पे अप्लाई करनी है जो कि मैंने हेडिंग के लिए, इस पोस्टर की हेडिंग के लिए मैंने यूज़ करनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे इस लेयर पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी लेयर स्टाइल, राइट उधर ही जाता हूँ रेक्टेंगल 3 पे, पेस्ट लेयर स्टाइल कर देता हूँ। सिंपल आप देख सकते हैं वाला ग्रेडियंट यहाँ पे फिल हो गया। ठीक हो गया। अब इसी ग्रेडियंट ओवरले पे डबल क्लिक करता हूँ, सॉरी रेक्टेंगल 3 वाले पे डबल क्लिक करता हूँ। इसका मैं स्केल बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम लग रहा था, इसके रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ हमें अच्छा सा फील दे देगा। ओके, नाउ इसी इसका जो ड्रॉप शेडो वो भी थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। साइज़ को थोड़ा सा कम किया हमने, डिस्टेंस को भी कम किया, ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर दिया। नाउ दिस लुक्स फाइन। अब इसको मैं थोड़ा सा हेडिंग को बड़ा कर देता हूँ और सिंपल मैं रेक्टेंगल टूल दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। इसके देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉइंट्स आ गए, तो मुझे पॉइंट्स पे जैसी एक पॉइंट को पकड़ के मैं मिसाल के तौर पे नीचे लेके जाऊंगा तो ये चारों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। और यही मुझे एक पॉइंट चाहिए होगा, तो एक पॉइंट के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे नीचे लेकर आऊँगा, तो देखें आप एक पॉइंट नीचे आ रहा है। ठीक हो गया, तो मुझे चारों पॉइंट नीचे चाहिए, तो सिंपल मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ तो चारों पॉइंट नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक चीज़ और छोटी सी ऐड करनी जो कि अच्छी सी लुक देगी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहीं पे, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया, थोड़ा और छोटा कर दिया। ठीक है, नाउ इसके अंदर इसी की मैं कॉपी बनाऊंगा एक कंट्रोल जे से, एफएक्स को मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा सिंपल क्लिक करके डिलीट पे, और इस कॉपी को दोबारा रेक्टेंगल में जाता हूँ, इस पे मैं वाइट स्ट्रोक पे सेलेक्ट करता हूँ, फिल को मैं बंद कर देता हूँ। तो सिंपल हमारे पास ये कुछ इस तरीके का स्ट्रोक आ गया। अच्छा, ये वाला स्ट्रोक यहाँ से हमारे पास आता है सिंपल यहाँ से। ठीक हो गया जी, अब ये वाला स्ट्रोक मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा इसके लिहाज से, पिक्चर के लिहाज से, और यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके की थीम आ गई। ठीक है, नाउ इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे और छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ हर्ब सीजर, हर्ब सिंपल, और या मैं इसको डैश ना भी लगाऊं तो चलेगा, ऐसा ही सीजर। ठीक है, अब मैं इसका कलर दे देता हूँ वाइट, सिंपल मैं इसको छोटा करता हूँ और मैं यहाँ पर ले जाके इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा फील दे रहा है। और नाउ ये जो सीजर थी हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा फेक फील हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी लिविंग थिंग का या किसी भी थिंग का शेडो ज़रूर होता है, इस दुनिया में सारी चीज़ों का शेडो है। तो ये है कि मैं इसका भी मुझे शेडो बनाना पड़ेगा अगर थोड़ा सा हमें रियल फील देना है, रियलिस्टिक फील देना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा और इसको रोटेट करके थोड़ा सा इस तरफ से ही बड़ा करूँगा।
अब मुझे यहाँ पे इसका शेडो क्रिएट करना होगा, राइट। तो सिंपल मैं ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है। और ब्रश टूल हमारा नॉर्मली ऐसा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जैसे आप पैनल खोलोगे इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं यूं करके नीचे लेकर आता हूँ और मैं एक नई लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर। यहाँ से इसको मैं अगर टैब को बंद करूँ तो यहाँ पर आप देखें न्यू लेयर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको मैंने ऑलरेडी छोटा कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का शेडो वाला फील आ गया। अब सिंपल ये देख सकते हैं आप, ये ना हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लेयर को ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। और मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर दूंगा और मैं यहाँ से डायरेक्टली इसकी ओपेसिटी यहाँ से भी मैं कम कर सकता हूँ। वैसे मेरी आदत है कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे नम पैड को अगर डायरेक्टली आप 30 दबाएंगे तो ये 30 पे चला जाएगा, ठीक है। नाउ इसका 30 सही है हमारा। और अब जो हमारा प्रोडक्ट है इसको मैंने ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, तो सिंपल मैं इसका बर्न टूल में जाता हूँ, राइट क्लिक करके आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे बर्न टूल आ रहा होगा। अच्छा, ये यहाँ पर आते हैं टूल्स हमारे ना, तो मैंने अपने हिसाब से कुछ सेटिंग्स रखी हुई है। तो मैंने बर्न टूल में जाके मिड टून सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने एक्सपोजर करा हुआ है 20। इसको मैं सिंपल यहाँ से थोड़ा थोड़ा डार्क कर दूंगा कि कुछ रियलिस्टिक सा लगे, कुछ ये रियल सा फील आए, ठीक है। यहाँ से भी मैं थोड़ा थोड़ा डार्क कर देता हूँ प्रोडक्ट को, ठीक है जी। यहाँ तक कुछ अच्छा सा हमारा डिज़ाइन हो गया। नाउ अब हमें यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स भी दिखाने के भाई ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स जो कि हमने ये पोर्शन डिज़ाइन किया। तो सिंपल मैं दोबारा रेक्टेंगल टूल पर राइट क्लिक करता हूँ, एलिप्स टूल लेता हूँ, सर्कल टूल, इसको हम सर्कल टूल भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर दोबारा वही स्ट्रोक इसका बंद करूँगा, यहाँ पर मैं इसको वाइट सेलेक्ट करूँगा, सिंपल यहाँ से वाइट आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। नाउ दिस इज़ गुड, ठीक हो गया। अब इसका सिंपल मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, इसी की मुझे अगर कॉपी चाहिए सेम ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा तो इसको नीचे ड्रैग करूँगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, क्योंकि अगर सिर्फ ऑल्ट करके रखता हूँ तो आगे पीछे भाग भी सकता है। अगर हमें सीधा एक ही लाइन में चाहिए तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट मैं इसको करूँगा तो सीधा एक ही लाइन में आएगा ये, ठीक हो गया जी। अब मैं सिंपल तीसरा भी इसका इस तरीके से कर दूँगा। अब मुझे थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से आएगा इसके इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टैक्स भी ऐड करने हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से इसको छोटा कर देते हैं और इसका ग्रुप बना देते हैं एक, और ग्रुप का नाम दे देते हैं एलिप्स, क्योंकि हम ग्रुप तो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अलाइन करने में आसानी होगी। अब इस ग्रुप को यहाँ पर रखता हूँ और सिंपल मैं इसको ये वाली लेयर के साथ, नीचे वाली लेयर के साथ इस ग्रुप को आपस में दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल यहाँ पर जाके मैं अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बहुत मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया तो आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें अच्छे से। थोड़ा सा और इसमें स्पेस देते हैं क्योंकि इसका टैक्स ऐड करना है मुझे तीनों में, तो उसकी जगह कम पड़ जाएगी, ठीक हो गया। नाउ ये कुछ अच्छा सा 3D सा लुक आ गया। अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, इसको भी जैसे हमने यहाँ पे शेडो बनाया, यहाँ पे शेडो बनाया, यहाँ पे शेडो बनाया, तो इसी तरीके से हमें इन सर्कल्स पे भी ऑब्वियसली बनाना होगा। तो सिंपल मैं वही डबल क्लिक करता हूँ लेयर पे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ा के ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। सिंपल आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो हमारा है ये हमारा बड़ा 3D से लुक आ गया, दूसरे वाले में भी सेम एग्जैक्ट, तीसरे वाले में सेम एग्जैक्ट, वही सीन करना है हमें। नाउ कुछ फीचर्स दिखाने के लिए मैं, वैसे तो आप फोटोग्राफी करेंगे प्रोडक्ट की, क्योंकि मेरे पास है नहीं फोटोग्राफी, तो इसलिए मैं खुद से जो है अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर जो इसका जो एंगल आता वो टॉप शॉट आता। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखें क्लिपिंग मास्क कर दिया, क्लिपिंग मास्क कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। सिंपल मैंने यहाँ पर इस पोर्शन को सेलेक्ट किया जो मैंने ऑलरेडी क्रॉप किया हुआ था सीजर का वो पोर्शन, कंट्रोल सी किया, वहाँ पर जाके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद जो सबसे पहला वाला एलिप्स टूल है हमारा, उसमें जाके मैं राइट क्लिक अगर करूँ क्रिएट क्लिपिंग मास्क आ रहा होगा। शर्त ये है कि वो वाली लेयर जो हमने पेस्ट करी है वो इस जिस लेयर में हमें क्लिपिंग मास्क करनी है उससे ऊपर हो, तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब कंट्रोल टी करके मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इसको, इसको सिंपल रोटेट करता हूँ क्योंकि वो एग्जैक्ट वो वाला अगर मैं डालूंगा तो वो मज़ा नहीं कराएगा पिक्चर के अंदर। वैसे तो यहाँ पर टॉप शॉट लगता है, अगर हमारे पास फोटोग्राफी होती तो टॉप शॉट हम यहाँ पे लगा सकते थे इजीली, वो अच्छा भी लगता। खैर मैं सिर्फ आपको एक पोस्टर डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे पास तो स्टॉक इमेजेस ही हैं, ठीक हो गया। नाउ अब आ जाते हैं कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है हमारा
ये एरिया हम इसको कवर कर लेते हैं कि इसके जो स्क्रूज हैं या फिर ये जहाँ जिस पे मूव कर रहा है वो इसका एक फीचर काउंट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर हम इसको भी क्लिपिंग मास्क कर देते हैं। क्लिपिंग मास्क की शॉर्टकट की मैं ज़्यादातर मुझे आदत हो गई है वो यूज़ करने की, तो कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो आपका शॉर्टकट की अप्लाई हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट जी। ठीक है भाई, नाउ इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं मज़ीद ताकि ये इसमें फिल हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज इसके शार्प ब्लेड्स। ये शार्प ब्लेड्स इसके हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये सिंपल मैंने वही कॉपी करा, यहाँ पे लिख के इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट जी करा क्लिपिंग मास्क, इसको सिंपल मैंने यहाँ से रोटेट किया, ये कुछ इस तरीके के हमारे पास आ गए शार्प इसके जॉज। ओके, सो नाउ ये कुछ अच्छा सा हमारा अब तक का कुछ अच्छा सा थीम तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ देखें, यहाँ पे कुछ नेगेटिव स्पेस आ रहा है, तो सिंपल मैं उसके लिए आपको एक हल बताऊंगा। यही हमारा प्रोडक्ट है, इसको मैंने कंट्रोल जे करके कॉपी किया, इसको सबसे लास्ट में लेकर गया मैं, जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाले बैकग्राउंड से ऊपर, ये वाली जो सॉलिड लेयर है इससे ऊपर, सिंपल मैंने इसको रोटेट कर दिया यहाँ पे और मैंने कुछ इस तरीके के इसके यहाँ पे ब्लेड्स कर दिए यहाँ पे, और प्रोडक्ट को थोड़ा सा हम और आगे कर देंगे मज़ीद ताकि ये आपस में मर्ज ना हो। ठीक हो गया जी, ये कुछ इस तरीके से कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ दे देते हैं, इसके अच्छा सा टैग्स दे देते हैं। ओके, नाउ हमने यहाँ पर कुछ इसके अंदर टैग्स ऐड कर दिया, इसके जो जिसे कहते हैं डिज़ाइन के लिहाज से जो मुझे समझ आया वो मैंने टैग्स ऐड कर दिया यहाँ पे। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट के लिहाज से, सिंपल। ठीक है, अब मैं इसको तीनों को सेंटर अलाइन कर देता हूँ एक साथ क्लिक करके, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक हो गया जी, अब सिंपल मैं इसको यहाँ पर वेरिएशन के वो कर देता हूँ, पार्ट्स लिख देता हूँ कि नंबर वन क्या है, नंबर टू क्या है। सो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इस एरिया को। द लास्ट पार्ट इज़ कि अब मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड पर कुछ अगर ऐड कर दें तो भी चलेगा, वैसे अब तक भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमने पोस्टर डिज़ाइन कर दिया। तो हम बैकग्राउंड पे कुछ इसका एलिप्स टूल पे ही लेते हैं और सिंपल इसको मैं बैकग्राउंड की तरफ यहाँ पे लेके जाता हूँ और मैं इसको सिंपल यहाँ पे एक सर्कल शेप डिज़ाइन करता हूँ। इसका फिल बंद कर देता हूँ मैं, स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ इसका। ठीक हो गया, अब यहाँ पर स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा 6% पे लेके जाता हूँ। ठीक है, और 6 नहीं तो इसको मैं 8 कर देता हूँ। राइट, कुछ अच्छा सा इसका फील आ गया। अब सिंपल मैं इसको यहाँ पे मास्क पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको दोबारा से बंद करूँ मास्क इसी एलिप्स 4 के ऊपर, ये वाला जो हमने सर्कल अभी लास्ट में ऐड किया इस पर मैं मास्क क्लिप ऐड लेयर मास्क करता हूँ इसके अंदर, और सिंपल मैं इसको ग्रेडिएंट टूल राइट क्लिक करके मैं ग्रेडिएंट टूल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, सिंपल मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा, नीचे मैंने राइट क्लिक करते हुए इसको ऊपर की तरफ स्वैप करना है, स्वैप कह लें या ड्रैग कह लें, ऊपर की तरफ करना है। सिंपल आप देखिएगा नीचे से बड़ा अच्छा सा इसका ये देखें मास्किंग हो रही है, और सिंपल मैं इसको इस तरीके से मज़ीद वो कर दूँगा। ठीक हो गया भाई, ये कुछ इस तरीके से गायब हो गया। अब सिंपल मैं ऊपर वाले एरिया को इसको थोड़ा सा ब्रश सेलेक्ट करके, अब मेक श्योर आपका ब्रश जो है वाइट होना चाहिए, वो इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा वो कर देते हैं, सेट कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी, अब इसको थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ।
ये कुछ इस तरीके का हमारा लुक आ गया। तो ये हमारा फाइनल एक जो पार्ट वन है इसका पोस्टर का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद अपडेट के लिए मेरी इंस्टा की आईडी पर जाके ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपको कुछ आपके माइंड में कोई सवाल है फोटोशॉप से रिलेटेड हो गया या फिर आपका इलस्ट्रेटर से रिलेटेड हो गया, मैं मज़ीद इलस्ट्रेटर की तरफ भी आऊँगा, तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि भाई नेक्स्ट मैं क्या डिज़ाइन करूं या फिर आपको किस चीज़ पर डिज़ाइन बनवाना है। कोई मैनिपुलेशन आर्ट है, कोई डिजिटल आर्ट है, या फिर कोई भी व्हाटएवर यू वांट। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मुझे आप डायरेक्ट DM करना चाहते हैं वो इंस्टा पर जाके आप मेरी ID यहाँ पर मैं मैंशन करूँगा वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।